ਸਾਡੇ ਬੰਦੂ ਸਾਡੀ ਆਰੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਾਰਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮਾਰਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम साधना। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को फेस करके जीरो से हीरो नहीं बल्कि माइनस से हीरो तक के लेवल को अचीव किया है। जो एक छोटे से शहर से निकल कर आज लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बनी हुई है, जिसने इंडिया की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एसॉर्ट में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, पहली लेडी एसॉर्ट बिजनेस ओनर बनकर। तो आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। फ्रेंड्स, उस स्ट्रॉन्ग लेडी का नाम है पवनदीप कौर। इनका जन्म 28 नवंबर 1994 में पंजाब में लुधियाना जिले के एक छोटे से शहर खन्ना में हुआ। जब उनका जन्म हुआ था वह समय पंजाब का गोल्डन टाइम था। तब उनके भी घर में खुशियां छाई थी। घर था, गाड़ी थी, जमीन, माता पिता, भाई और उनकी एक छोटी बहन, सब कुछ तो था उनकी जिंदगी में। लेकिन उम्र का 13वां साल आते आते पंजाब में जो ड्रग्स, शराब आदि नशे का जो दौर शुरू हुआ, उससे पंजाब के बहुत बड़े जन समुदाय को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उन्हीं में पवनदीप जी के पिता भी थे, जिन्होंने शराब और ड्रग्स के नशे में पड़कर अपने घर की खुशियों को आग लगा दी और घर, गाड़ी, संपत्ति सब कुछ नशे की भेंट चढ़ा दिया। और एक दिन ऐसा आया कि पवनदीप जी के पिता ने नशे और परिवार में से नशे को चुना और परिवार को अकेला और बेसहारा छोड़ दिया, जिसमें सबसे बड़ी पवनदीप, दो छोटे भाई बहन और माँ थी, जिनको किसी का सहारा नहीं था। घर तो पिता पहले ही नशे में बेच चुके थे। रहने के लिए छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। फिर वह अपने बड़े पापा के पास रहने गई, कभी दादाजी के यहाँ, कभी नाना जी के यहाँ। ऐसे परिवार बिखर चुका था। 8 साल तक वो लोगों के घर में रही। जैसे तैसे करके उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई पूरी की, लेकिन वह अपनी माँ को कब तक तकलीफ में देखती। वह अपनी माँ और छोटे भाई बहन के लिए कुछ करना चाहती थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि करे तो भी क्या, क्योंकि बिना पैसे और सहारे के करती भी तो क्या। पवनदीप जी की लाइफ में काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ने लगी। सब लोग उन्हें आकर कुछ न कुछ बोल जाते थे, जो उनके मन को बहुत दुखी करता था। लोग आकर उन्हें कहते थे कि तुम दोनों तो लड़कियां हो, शादी करके चली जाओगी, तुम्हारे भाई का क्या होगा। उस वक्त वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या कर सकती है, क्या बन सकती है। लोगों की बातों ने और जिंदगी के हालातों ने उन्हें बहुत बुरे वक्त में ला दिया था। सबको लगता था कि अब वो लोग जिंदगी भर ऐसे ही दूसरों के सहारे जिएंगे। तभी अचानक उनकी मुलाकात एसॉर्ट के अरफान जी से हुई। अरफान जी ने उन्हें एसॉर्ट में आने का मौका दिया। फिर पवनदीप जी ने एसॉर्ट को अच्छे से जाना और समझा, तभी उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। लेकिन पवनदीप जी तो 20 साल की उम्र में एक छोटे से शहर से आई थी, एकदम फ्रेशर थी। हर कोई ताना मारता था कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं बन सकती। लेकिन पवनदीप जी ने अपनी माँ की तकलीफों को देख रखा था, जिस वजह से वो हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे कुछ करना है, मुझे बनकर ही दिखाना है। ऐसे समय में अरफान जी ने उन्हें गाइड किया, मोरल सपोर्ट किया और उनका मनोबल बढ़ाया। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आसानी से कभी भी, कहीं भी, किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं होता। सफलता की मंजिल को पेशेंस और मेहनत की सीढ़ियां चढ़कर ही पाना पड़ता है। पवनदीप जी के लिए भी एसॉर्ट का सफर कुछ आसान नहीं था। बहुत बार निगेटिव थिंकिंग उन पर हावी हो जाती थी, पर उनकी स्ट्रांग डिसीजन और सेल्फ बिलीव ने उन्हें हार मानने नहीं दिया और पेशेंस और मेहनत के दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रही।
पवनदीप मैम ने एसॉर्ट में 29 रैंक से बिजनेस को स्टार्टअप किया, फिर वो 29 से 38, 38 से 41 और 41 की बात एसॉर्ट की हिस्ट्री में 10 लाख लोगों के बीच वो फर्स्ट लेडी ड्यूक बनकर उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया। ड्यूक वो पोस्ट है जिसे आज हम सभी एसॉर्ट बिजनेस ऑनर के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये बात पवनदीप मैम ने अपने परिवार को वो सारी खुशियां दी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को बुलेट बाइक और छोटी बहन को स्कूल में एडमिशन करवाया। आज वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। सबको लगता था कि पवनदीप जी एक लड़की हैं, शादी करके दूसरों के घर खाना बनाएगी, पर असॉर्ट में काम करके आज उनकी वजह से हजारों लोगों के घर में खाना बन रहा है। जिस लड़की को सब कहा करते थे कि वो दूसरों के सहारे जिएगी, जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगी, आज बस महज 25 साल की उम्र में एक लड़की होकर असॉर्ट की वजह से उन्होंने अपने दम पर सब कुछ हासिल कर लिया। पहले उनके घर पर सिर्फ 2-4 चीजें थी, अब उनके घर पे एसी, फ्रिज, बुलेट बाइक, हर एक चीज उन्होंने अवेलेबल करवा दी। इवन उन्होंने अपने लिए एक कार भी परचेज की। बाहर की लाइफ में इतनी कम उम्र में खुद का घर बनवाना और इतना सब कुछ अचीव करना आसान नहीं होता, स्पेशली एक लड़की होकर। एसॉर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अच्छे से समझकर उन्होंने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने कमाए पैसों से खुद के साथ साथ अपने परिवार के लिए सबसे ज्यादा किया। आज वो एक लड़की होकर अपने पूरे परिवार को चला रही है। एसॉर्ट में आज वो 10 लाख लोगों की इंस्पिरेशन है। उनको देखकर हम सबको भी हिम्मत मिलती है और इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर मन में स्ट्रांग डिसीजन और सेल्फ बिलीफ बना लिया जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक समय था जो वो एक एक रुपए के लिए तरसती थी, आज वो हर महीने लाखों में कमाई करती है। पवनदीप मैम ने यह साबित कर दिया कि नथिंग impossible। पवनदीप मैम ने एसॉर्ट में आकर इतनी कम उम्र में अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया और इतना सब कुछ अचीव कर दिया। आज जिस लेवल के ऊपर वो है, वो आज एसॉर्ट के हर एक लड़के और हर एक लड़की का ख्वाब है। फ्रेंड्स, आप सब भी सोचिए कि उनकी जिंदगी में इतनी तकलीफों के बाद भी जब उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट को अचीव कर लिया है, अपनी जिंदगी को इतना अच्छा बना दिया है, तो हम सब भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उनकी जितनी तकलीफें तो हमारी जिंदगी में भी नहीं है। अगर वो कर सकती हैं तो हम सब भी कर सकते हैं। अभी भी वक्त नहीं गया है, हिम्मत रखो, मेहनत रखो और सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दो और उनकी तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पेशेंस रखो और हिम्मत रखो। निकाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। सबसे पहले तो मैं एसॉर्ट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि एसॉर्ट की वजह से पवनदीप मैम अपनी लाइफ को इतना ज्यादा अच्छा बना पाई, और दूसरी बात कि हमें पवनदीप मैम जैसी लेडी के बारे में इतना सब कुछ जानने के लिए मिला, और लास्टली मैं पवनदीप मैम को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मैम आप हमेशा हम सबके लिए इंस्पिरेशन बनी रहेगी। हे, गुड बिजनेस एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने भी मेरी तरह ए सॉर्ट से अपना फ्यूचर सोच रखा है, और अगर आपने ये सोच रखा है कि ए सॉर्ट से आप एक दिन सक्सेस होके ही निकलोगे, तो यकीन मानो कि आप हो चुके हो, क्योंकि रिचर्ड बर्क ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जल्दी हो या देर से वो लोग ज़रूर जीतते हैं जो सोच चुके हैं कि वो जीत सकते हैं। और अगर आपने ये सोच लिया है कि आप जीत सकते हो, तो वाकई में आप जीत गए हो। बाकी गुड लक, थैंक यू।